हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम लोग एक ऐसे टूथ के बारे में बात करेंगे जो अगर निकल जाता है तो भी तकलीफ़ देता है और निकल रहा होता है तो भी तकलीफ़ देता है, यानी कि अक्कल दाढ़, जिसको हम विजडम टूथ भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि जब तक ये नहीं निकलता, जब तक अक्कल दाढ़ नहीं निकलती तब तक अक्कल नहीं आती है। लेकिन इसका अक्कल से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये नहीं भी निकले तो भी आपको अक्कल आनी है, उतनी आ जाएगी। तो इससे ये अक्कल से इसको मत जोड़िए। तो ये आज हम जो विजडम टूथ के बारे में जानेंगे कि क्यों ये दर्द करता है निकलते वक्त और कितना ज़रूरी है हमारे दांतों के लिए विजडम टूथ, ये है कि कब निकलता है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, निकलते वक्त क्यों दर्द होता है और इसका दर्द कितने दिन तक रहता है और इसको क्या निकलवाना ज़रूरी होता है। अगर ये पूरा इरप्ट नहीं होता है, पूरा प्रॉपर नहीं आता है तो क्या इसमें कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या घरेलू इलाज से इसको ठीक किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि अक्कल दाढ़ होती क्या है। हमारा जो दांत होते हैं, हमारे पूरी जो डेंटिशन होती है, वो उसमें हम लोग मानते हैं कि 32 टीथ आते हैं, यानी कि 16 ऊपर आते हैं और 16 नीचे आते हैं। लेकिन आजकल देखा गया है कि सिर्फ 28 दांत, या फिर किसी को 30 आते हैं या फिर किसी को 28 दांत आते हैं। लेकिन अगर हमारे अक्कल दाढ़ के समेत हम गिने तो 32 दांत होते हैं। जो अक्कल दाढ़ होती है, विजडम टूथ, वो हमारे सबसे लास्ट का पोर्शन होता है, जो सेकेंड मोलर और बोन, जो लास्ट वाली हड्डी होती है, उसके बीच में निकलता है, जिसे आप फोटो में देख सकते हो। इस टाइप से ये निकलता है। अब ये जानते हैं कि ये दर्द क्यों करता है। ये दर्द इसलिए करता है कि जो हमारा ये सेकेंड मोलर है वो, और जो हमारी बोन होती है, उसके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। तो ये जब निकलने की कोशिश करता है तो वहाँ पे इसको जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए ये दर्द करता है। अब ये है कि स्पेस कम क्यों होता है। क्या होता है कि हमारे पूरे दांत निकल जाते हैं, 13 से 14 साल तक हमारे पूरा डेंटेशन हो जाते हैं, सारे जितने भी टीथ हमें निकलने होते हैं परमानेंट टीथ, वो सब निकल जाते हैं। लेकिन ये सबसे लास्ट में निकलता है, यानी हमारी एज 17 साल की हो जाती है। किसी के 17 साल की एज में स्टार्ट होता है, किसी के 18, किसी के 20-25 साल तक ये निकलता रहता है। तो क्या होता है, सब डेंटिशन, सब सारे दांत निकल जाते हैं तो वो सब अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। अब ये जब निकलने की इसकी बारी आती है तब क्या होता है कि इसको जगह नहीं मिल पाती, और जगह नहीं मिल पाती है तो ये क्या करता है कि हमारे जो गम एरिया है, यानी कि जो मसूड़ा है जहाँ जिसके थ्रू इसको निकलना होता है, उस जगह पे प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, निकलने की कोशिश करता है और इस कोशिश में आपके मुंह माउथ में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी कभी सूजन आ जाती है, और ये इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है ना, तो कि आसपास के सारे दांत, पूरा हमारा जो ये जबड़ा होता है वो, हमारा कान, हमारा सर, सब कुछ दर्द करने लग जाता है। और इस सिचुएशन में पेशेंट को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मेरे इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो ये मेन यही कारण है कि इसको जगह नहीं मिल पाती है तो ये निकलने की कोशिश करता है तो इसमें दर्द होता है। एक तो ये है, और ये जब दर्द है ये कुछ दिनों में, मतलब 4 से 5 दिन में ये खुद से ही ठीक हो सकता है। थोड़ी बहुत अगर आप डेंटिस्ट को दिखाते हो तो वो आपको एंटीबायोटिक और पेन किलर देते हैं, उससे भी ये ठीक हो जाता है कुछ दिन के लिए, फिर ये वहीं रह जाता है क्योंकि उसको निकलने की फिर जगह नहीं मिलती। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि 4-6 महीने तो ठीक रहा, फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कारण यही है फिर से, कि थोड़े दिन बाद ये फिर से स्टार्ट होता है निकलना, इरप्ट होने की कोशिश करता है, एक बार के लिए शांत हो जाता है, फिर अपनी जगह थोड़ा सा मूवमेंट करता है और सोचता है मैं बाहर निकलूं, और ये बाहर निकले कि फिर कोशिश करता है, फिर आपके वही प्रॉब्लम होती है, प्रेशर लगाता है यहाँ पे तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन की वजह से पास वाले जो मोलर है उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है और आपके जबड़े में भी दर्द शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में ये निकल जाता है। बहुत बार अगर आप डेंटिस्ट को दिखाते हो तो वो क्या करते हैं कि ऊपर का जो गम का एरिया होता है, पोर्शन होता है, उसको हल्का सा हटा देते हैं, जिससे ये इजीली निकल जाता है। किसी सिचुएशन में निकल जाता है, किसी सिचुएशन में नहीं निकलता है। अगर ये टेढ़ा है तो ये नहीं निकलेगा, लेकिन अगर ये स्ट्रेट है तो ये इजीली निकल जाता है। लेकिन ये निकलते टाइम पेन जरूर करता है, दर्द जरूर करेगा। कुछ समय बाद
अगर ये नॉर्मल है और ये निकल गया तो बहुत अच्छी बात है कि आपके विजडम टूथ है वो पूरी तरह से इरप्ट हो गया है। लेकिन कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि इरप्ट होने के बाद भी ये परेशान करता है। परेशान कैसे करता है, पहले मैं आपको इरप्टेड टूथ का बता रही हूँ, यानी कि अगर आपका विजडम टूथ है वो इरप्ट हो गया फिर भी इसमें दिक्कत क्यों होती है, फिर भी इसमें आगे चल के परेशानी क्यों हो जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों में नहीं होती है, लेकिन 62% लोगों में ये निकलने के बाद भी दर्द करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसका रीज़न ये होता है कि हम अच्छे से ब्रश करते हैं, लेकिन हम ब्रश और फ्लॉस अच्छे पूरा लास्ट तक नहीं कर पाते हैं अच्छे से। इजीली से कुछ भी खाना वहाँ पे हमने खाया वो वहाँ फंस गया तो उसको इजीली नहीं निकाल पाते हैं, जिसके चलते ये पेन करता है। जिसके चलते कुछ भी मसूड़े में कुछ फंस गया तो वहाँ इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो थोड़े दिनों बाद वहाँ पे दर्द करना शुरू कर देगा। और अगर आप अच्छे से खाना नहीं निकाल पाओगे, अच्छे से ब्रश नहीं कर पाओगे, फ्लोस नहीं करोगे, तो वहाँ पे कैविटी हो जाती है। और सबसे जल्दी अगर आपके थर्ड मोलर है तो थर्ड मोलर में कैविटी हो जाती है। और अगर कैविटी हो गई और आपने उसी टाइम इसका इलाज करवा लिया तो ये फिर भी थोड़ा स्टेबल रह जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया है और कैविटी बढ़ गई है तो इसके अंदर फिर इन्फेक्शन हो गया और डीप हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि माउथ ओपनिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन करता है। और ऐसे सिचुएशन में फिर डेंटिस्ट आपको इसको रिमूव करने की एडवाइस देते हैं। लेकिन इससे भी आप बच सकते हो, यानी कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा आप कैसे पा सकते हो, अगर आप रेगुलर डेंटल विजिट करते हो और आपको पता होता है कि आपके थर्ड मोलर है वहाँ पे आप अच्छे से ब्रश नहीं कर पा रहे हो, तो आप हर 6 मंथ्स में या 1 ईयर में एक बार अच्छे से स्केलिंग करवाइए, क्लीनिंग रखिए वहाँ से, तो वहाँ पे कोई भी फूड लॉजमेंट वहाँ पे मतलब रहने मत दीजिए, जिससे क्या होएगा कि कोई भी कैविटी नहीं बनेगी, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होएगा, तो वो दांत है वो आपका सेफ रहेगा और उसमें कोई आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होएगी। और चेक होता रहेगा तो क्या होगा, कोई कैविटी होएगी तो उसको भी डेंटिस्ट है वो फिल कर देगा और आपके दांत को बचा लेगा। तो एक तो ये कंडीशन है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपके दर्द निकलने के बाद भी कर सकता है। अब सेकेंड सिचुएशन क्या होती है, पार्शियली इरप्टेड, यानी कि आप इस टाइप की फ़ोटो में देख सकते हैं, इसको हम पार्शियली इरप्टेड बोलते हैं। ये आधा निकल जाता है, थोड़ा बहुत इसका पोर्शन है वो निकल जाता है, लेकिन कुछ पोर्शन नहीं निकलता है, थोड़ा टेढ़ा होता है बोन में। तो ऐसे सिचुएशन में ये आपको बार बार दर्द करेगा। ये क्यों दर्द करता है, क्योंकि ये निकलने की बार बार कोशिश करता है लेकिन ये नहीं निकल पाता क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। और जगह नहीं होने की वजह से प्रेशर क्रिएट करता है, ये तो अपनी तरफ से कोशिश करेगा लेकिन नहीं निकल पा रहा, तो फिर आपको दर्द होएगा। दर्द पास वाले दांत में भी होएगा, आपके जबड़े में भी होएगा, और ये जबड़े का दर्द पूरे कान में, सिर में, सब में फैल जाता है और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अब जब ये दर्द इतना बढ़ जाता है तो फिर आप डेंटिस्ट को दिखाते हो और डेंटिस्ट आपको उसको डायग्नोज करते हैं, एक्सरे लेते हैं और चेक करते हैं कि ये इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्या इसको ये पार्शियली है या फिर ये नॉर्मल इरप्शन इसका हो सकता है। लेकिन जब पता चलता है कि पार्शियली इरप्टेड यानी थोड़ा टेढ़ा है तो ये नहीं निकल पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक्सट्रैक्शन यानी इसको निकालने का, रिमूव करने का एडवाइस दी जाती है। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको छोटा सा हल्का सा कट लग के इसको इजीली डॉक्टर है वो रिमूव कर देते हैं, फिर थोड़ी बहुत अगर ज़रूरत लगेगी तो स्टिचिंग कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो निकल जाता है। लेकिन इसके लिए भी आपको सोचना पड़ता है कि क्या हम निकलवाएं, ऐसे ही ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें माइंड में चलती हैं। लेकिन इसका जो ऑप्शन है, अगर पार्शियली इरप्टेड है तो ये एक बार के लिए अगर आपने मेडिकेशंस ली तो कुछ दिन के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से दर्द होएगा, तो इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो यही है कि इसको रिमूव करवाना ही बेटर है, क्योंकि ये कोई काम नहीं आता है, न खाने के काम आएगा न दिखाने के काम आता है, ये सिर्फ आपको परेशान ही करने के काम आएगा। तो डेंटिस्ट जो एडवाइस देते हैं इसको निकालने की, वो एडवाइस बेस्ट है, उसको निकाल लेना चाहिए, फिर आपके कोई दिक्कत नहीं होती है। अब थर्ड सिचुएशन में क्या होता है, ये तो सेकेंड थी पार्शियल, थर्ड सिचुएशन कौन सी होती है, वो होती है इम्पैक्टेड, यानी कि फुल्ली हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, आप जैसे फोटो में देख सकते हो इस टाइप का दिखाई देता है, ये फुल्ली इम्पैक्टेड होता है, अंदर होता है बोन के अंदर और पूरा टेढ़ा होता है, तो इसके कोई उम्मीद नहीं होती कि ये बाहर निकलेगा क्या। बहुत केसेस में तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मेरे अक्लदाड़ है अंदर, उनके बहुत बार क्या होता है यहाँ पे पेन रहता है, स्वेलिंग आती है, दांत कान में दर्द होता है, कुछ लोग दवाइयाँ लेके उसको ठीक कर लेते हैं, कुछ दिन बाद फिर दर्द होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि उनके दर्द हो क्यों रहा है।
वो तभी पता चलता है जब आप डेंटल विजिट करते हो, डॉक्टर को दिखाते हो, फिर डॉक्टर आपका एक्सरे करता है, एक्सरे के थ्रू, या डॉक्टर तो फिजिकली एग्जामिनेशन करके भी बता सकता है कि आपके अंदर है वो अकलदाड़ है, लेकिन एक्सरे में अच्छे से उसकी पोजीशन सब कुछ आ जाता है। तो वो आपका एक्सरे कर लेते हैं दांत का, फिर चेक करते हैं कि इसकी पोजिशन क्या है, ये किस फॉर्म में है। तो ये जो इम्पेक्टेड फॉर्म में अगर आपका अकलदाड़ है तो इसका तो ऑप्शन ये है कि सर्जरी के द्वारा इसको बाहर निकालना ही इसका ऑप्शन होता है। अब आपके दिमाग में अगर ये सर्जरी सर्जरी मतलब तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, कट लगेगा, कहाँ लगेगा, क्या होएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए कोई मेजर चीज़ नहीं है, आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी सर्जरी हुई है क्या। वहाँ पे जो हड्डी होती है जहाँ पे ये अटका हुआ है, इम्पेक्टेड है, वहाँ कट लगाया जाता है, और कट लगाने के बाद इस सॉकेट को इजीली बाहर रिमूव कर दिया जाता है और फिर इस एरिया को स्टिच कर दिया जाता है, सुचरिंग कर दी जाती है। तो ये इस तरीके से आपका जो इम्पेक्टेड थर्ड मोलर उसको निकाल दिया जाता है। अब ये जानते हैं कि चलो जो पार्शियल इरप्टेड था या नॉर्मल इरप्टेड था, इम्पेक्टेड था, ये निकल इसका जो ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट का वो निकालना है, यानी एक्सट्रैक्शन है, रिमूव कर दिया है। अब इसमें मतलब आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर इसको निकालते हैं तो कितने दिन तक इसका दर्द रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस घबराहट में भी रहते हैं कि पता नहीं कितने दिन हमें ये परेशानी होएगी, हमारा काम रुक जाएगा या कुछ। तो इसमें क्या है कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो फर्स्ट सिचुएशन होती है जिसको हम बोलते हैं इरप्टेड थर्ड मोलर है, यानी कि दिख रहा है, इजी है, नॉर्मल दांत की तरह, सिर्फ इसमें कैविटी हो गई है जिसका रूट केनाल नहीं कर पा रहे हैं, माउथ ओपनिंग कम है, और ऐसी सिचुएशन में इसको रिमूव करना है, तो नॉर्मल दांत की तरह इसको रिमूव कर दिया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आपका 3 to 4 days में या मैक्सिमम 7 days के अंदर अंदर हीलिंग हो जाती है, और आप नॉर्मल, आप तो दूसरे दिन से ही काम अपना नॉर्मल रूटीन जो काम है वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको, क्योंकि आपका जो दर्द अगर होना है तो वो मेडिसिंस वगैरह दे दी जाती है जिससे आपका दर्द है वो कम हो जाता है, कुछ एंटीबायोटिक दी जाती है जिससे घाव है वो भर जाता है। तो फर्स्ट सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब सेकेंड सिचुएशन यानी पार्शियली इरप्टेड, इसमें क्या होता है कि इसको कैसे निकाला जाता है, इसको कट लगा के, क्योंकि ये आधा इरप्टेड होता है, आधा तो बाहर निकला होता है और आधा टेढ़ा होता है अंदर, तो ऐसे सिचुएशन में साइड में कट लगता है और इस कट को निकाल के, कट को लगा के इजीली इसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप लोग ये सोचो बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, पता नहीं अब क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल दांत की तरह ही निकल गया। इसमें सुचरिंग कर दी जाती है, यानी कि स्टिच लगा दे, 1 या 2 स्टिचिंग होती है ताकि घाव जल्दी भर जाए, ब्लड कम निकले, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। उसमें भी आप अगर चाहो तो 1 दिन रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एनेस्थेसिया लगा होता है तो थोड़ा ऐसे भारीपन रहता है, बाकी आप दूसरे दिन से ही अपनी रूटीन वर्क कर सकते हो, क्योंकि साथ में आपको एनाल्जेसिक मेडिसिन वगैरह एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है जो आपको धीरे धीरे इसका घाव भी भर देते हैं, और अगर आप जो पोस्ट ऑपरेटिव जो कुछ चीज़ें होती है जैसे कि गुनगुने पानी नमक डाल के कुल्ला करना और तो आइसक्रीम वगैरह खाना, उससे क्या होता है जल्दी इसका क्लोट भी बन जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें भी आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी, आप दूसरे दिन से ही वर्क कर सकते हो। अब रही थर्ड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन मतलब पूरा इम्पेक्टेड है, अब इसको तो कट लग के पूरा बाहर सर्जरी हुई है, तो इसमें क्या सिचुएशन होगी। इसमें भी क्या होता है कि कट लगाया डॉक्टर ने और इसको अच्छे से रिमूव कर दिया, फिर यहाँ पे सुचरिंग लग कर दी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती मेजर, इसमें भी वही सेम मेडिसिंस वगैरह दी जाती है, सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव जो चीज़ें होती है वो सेम होती है, बस इसमें ये होता है कि कभी कभी क्योंकि पूरा अकड़ा होता है और माउथ खुला रखते हैं काफ़ी देर तक उसको निकालने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जो में माउथ ओपनिंग में थोड़ी बहुत पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, कम से कम इसका जो दर्द है वो 5 to 6 days या 5 to 7 days के बीच में ठीक हो जाता है, 7 days के बाद घाव बढ़ जाता है, किसी सिचुएशन में अगर नहीं बढ़ता है तो मैक्सिमम मान के चलो तो 10 से 15 दिन में ये जो इम्पेक्टेड टीथ है वो एकदम रिकवर हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके यहाँ पे कोई दांत था या नहीं थी। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, जितना आप दिमाग में टेंशन लेते हो कि पता नहीं क्या होएगा, कितना दर्द होएगा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ये भी नॉर्मल दांतों की तरह ही निकलता है, सर्जरी कोई मेजर चीज़ नहीं है। तो आप इजीली अगर आपको ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाके इसको निकलवा सकते हो।
साथ ही कुछ होम रेमेडीज़ मैं बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से जब तक आप अपनी प्लानिंग करो कि मेरे है ना दर्द हो रहा है और आप निकलवाना है जितना, तो उस बीच में आप चाहो तो कुछ होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके इस दर्द से थोड़ा छुटकारा पा सकते हो। तो वो होम रेमेडीज़ क्या है? सबसे पहले तो अगर आपके दांत में या अक्कल दाढ़ में अगर दर्द हो रहा है तो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना है, वो आपको दिन में 3 या 4 बार, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा होगा बोन का, जैसे वो प्रेशर डालता है तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वो बार बार जब गुनगुने पर नमक डाल के कुल्ले करोगे तो उससे आपको राहत फील होगी और आपका दर्द भी कम होता है। साथ ही लौंग और लौंग का तेल, लौंग को आप वहाँ पे लगा के छोड़ सकते हो या फिर लौंग का तेल भी वहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एनाल्जेसिक गुण होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका दर्द है वो थोड़ा कम हो जाता है, कम क्या, एक बार के लिए वो ख़त्म हो जाता है, फिर आप वापस शुरू होता है वो अलग सिचुएशन है, लेकिन एक बार के लिए आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप लहसुन और अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लहसुन का पेस्ट बना के और थोड़ा अदरक का पेस्ट बना के, आप अलग अलग चाहो तो अलग अलग लगा सकते हो, वरना इन दोनों को मिक्स करके भी वहाँ पे लगा के कुछ देर के लिए, यानी कम से कम 5 to 10 मिनट छोड़ना है, जिससे इसका आपका दर्द है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको आप वहाँ उनको वहाँ पे आप लगा के छोड़, क्योंकि बर्फ़ क्या होता है, ठंडी बर्फ़ है वो उससे वहाँ का जो दर्द हो रहा है वहाँ पे नमनेस हो जाएगी, यानी सुन कर देगा थोड़ी देर के लिए, जिससे आपको थोड़ा पेन में राहत मिलेगी। तो ये कुछ होम रेमेडीज है जिनका इस्तेमाल करके आप अपने, अगर आपके अक्कल दाढ़ में दर्द है तो उससे छुटकारा पा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये है आज का वीडियो, बहुत ज़्यादा थोड़ा लंबा हो गया आई थिंक, इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप कर रही हूँ। मैंने अक्कल दाढ़ की होम रेमेडीज़ पे अलग से ही भी वीडियो बना रखा है, तो अगर आप चाहो अगर होम रेमेडीज़ देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, मैंने होम रेमेडीज़ का लिंक डाला है। तो ये है मेरा आज का टॉपिक, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।